हम चंद्रा बने, हम बड़ोड़ा से हैं, मतलब अभी बड़ोड़ा में स्टे कर रहे हैं, और मैं इस काइंड ऑफ को ऑर्गेनाइज़र हूँ कि अभी ये क्यूरेटेड शो नहीं है तो, और इवन मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने फिर हिस्ट्री किया है, तो अभी मैं क्यूरेटर का काम कर रही हूँ विज़ाविज़ गैलरी के साथ, और ये शो विज़ाविज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो विजय पटेल क्लियंट के हैं उनके अंडर में आता है, उनका ट्रस्ट है वो। और ये शो जिसका नाम हमने रखा है मिराकी, मिराकी का मतलब ग्रीक में है वो, उसका वर्ड का मतलब है जो कुछ हम सोल से क्रिएट करते हैं, जो बहुत दिल से बहुत प्यार से जो भी आता है अपने अंदर उसको हम क्रिएट करते हैं, उसको मिराकी कहते हैं। और तो इस पे हमने बेसिकली उन्हीं आर्टिस्ट को लिया है जो बहुत पैशनेटली काम करते हैं, तो उसमें अभी यहाँ पे करीब हमने 19 आर्टिस्ट को ले रखा है और करीब 30 आर्टवर्क्स इन टोटल। तो वो 19 आर्टिस्ट कुछ हैं जो बहुत सीनियर है, लाइक 20-25 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ है बिल्कुल फ्रेशर्स, जैसे ये वाला काम अभी पास आउट एक स्टूडेंट का है, तो हमने उनको क्लब किया है बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ मटीरियल, और फिर वो चीज़ों को कैसे देखते हैं उस व्यू को समझने के लिए हमने, या फिर वो सीनियर और जूनियर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें दिमाग में रख के हमने आर्टिस्ट सिलेक्ट किए हैं, और उनके आर्ट वर्क बेसिकली जो बहुत पैशनेटली करते हैं, नॉट वो सिर्फ काम के थ्रू सर्वाइव करना है ऐसा नहीं है, तो उस हिसाब से हमने काम को सिलेक्ट किया। जैसे ये वाला काम एक आर्टिस्ट का है जो 15 साल से आइसोलेटेडली काम कर रही है, उन्होंने बहुत कम शोज किए, बहुत कम लोग उनको जानते हैं, बट शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क, पूरा दिन उनको बस काम करना होता है। सो वी विजिटेड हर स्टूडियो, कलेक्टेड हर वर्क, टॉक्ड विथ हर एंड मेक हर फील की आई प्लीज, तो ऐसे हमने शो को ऑर्गेनाइज किया है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र ओझा है और मैं एक स्कल्प्टर हूँ। मैंने अपना बैचलर्स जो है वो दिल्ली से कंप्लीट किया स्कल्पचर में, और मास्टर्स मेरा बड़ोड़ा आर्ट स्कूल से कंप्लीट हुआ 2004 में। उसके बाद से मैं अपना फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और स्कल्पचर एंड क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिव स्कल्पचर के साथ में काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे हट्टी सिंह में मेरा जो शो है उसमें मैंने मिक्स मीडिया को लेकर काम किया है, एंड उसमें जो मेरा थीम है वो थीम है कि मैं अपना जो ड्रीम इमेज होता है, जो मैं पर्सनली चीज़ों को देख के सरियलिस्टिक इमेज एक ड्रीम में उसको देख के सोचता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, वो लेके मैंने काम किया है। एंड मतलब वो ड्रीम का इमेज कहते हैं कि मतलब एक काम को लेके मैं किस तरीके से ड्रीमी नज़र से, कभी कभी कोई चीज़ आपको डराती है, कभी कोई चीज़ एक्साइट करती है, कभी कभी खुद को देख के ही खुश हो जाते हैं, खुद को देख के डर जाते हैं, तो वो तरह का साइकी मेरे काम में आपको नज़र आएगा। एंड मैं पर्सनली भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड काम को पसंद करता हूँ, न्यू टेक्निक्स, न्यू चीज़ें डेवलप करना, न्यू चीज़ें खोजना, ये सब काम में मेरे पार्ट रहता है। जैसे मेरा प्रीवियस जो आर्ट जो सीरीज था वो ह्यूमन हॉर्न के लिए काम था, मैं वो चीज़ों में काम करना पसंद करता हूँ जो अपनी लाइफ से काफ़ी पर्सनल हो, काफ़ी अटैच हो, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं ऐसी चीज़ को ज़्यादा जस्टिफाई कर पाता हूँ, कि मैं उन चीज़ों से रिलेट करता हूँ, लोगों से रिलेट करता हूँ, चीज़ों से रिलेट करता हूँ, और यही मैं प्रैक्टिस का आर्ट प्रैक्टिस का पार्ट।